नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी आई अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए आरएसएमएसएस भी अपडेट लेके आ गया हूँ। दो भर्तियों को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर है, हजारों विद्यार्थियों को यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो प्रेस नोट जारी किए गए अलग अलग भर्ती को लेकर। चलिए पूरी जानकारी देखते हैं क्या है अपडेट। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे अच्छी खबर है जो अभी वैकेंसी जारी हुई है और जिसका क्या है एग्ज़ाम होना है। कब है एग्ज़ाम? 18 सितंबर को एग्ज़ाम है। कब है एग्ज़ाम? 18 सितंबर को एग्ज़ाम है। उसका सिलेबस आ चुका है, देख सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से अपडेट है। कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम, तो देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य हिंदी आएगी 45 नंबरों की। कितनी? प्रश्नों की संख्या 15 होगी 45 नंबर के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा इस प्रकार। उसी प्रकार राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का। ये डिटेल के साथ में मैं वीडियो अभी जो है एक या डेढ़ घंटे बाद बना दूंगा, या फिर सुबह आपको वीडियो मिल जाएगा बिल्कुल डिटेल के साथ, ठीक है? तो आप बने रहिएगा, जिनको इसका सिलेबस जानना है आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। सस्य विज्ञान पूर्णांक 60 नंबर का है, 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और यदि ये पीडीएफ आपको लेनी है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी आईक्यू अकेडमी के नाम से। किस नाम से? स्टडी आईक्यू अकेडमी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगी अभी आपको। उसके अलावा उद्यानिकी आएगी 60 क्वेश्चन, 60 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, ध्यान रखना है, बढ़िया मामला है, ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। चलिए इसके अलावा पशुपालन 20 क्वेश्चन 60 नंबरों के आने वाले हैं। यहाँ पर भी जैसे बकरी जैसे जमुनापारी, बारबरी, बीटल, टोंगनबर्ग, भेड़, मारवाड़ी, चोकला, मालपुरा, मेरिनो, कराकुल, जैसलमेरी, ये सारे आप देख सकते हैं। यहाँ पर गाय कौन कौन सी है, इनके बारे में आपको सामान्य ज्ञान वगैरह पूछा जाएगा, दूध वगैरह से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये गाय क्या है, ये सारे आपसे पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार आपको इन सारे चीज़ें जो है याद करके रखनी होगी। देख सकते हैं यहाँ पर क्या है मामला, वैकल्पिक प्रकार का प्रश्न होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा। अधिकतम 300 अंकों का आपका ये पेपर होने वाला है, 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रश्नों की संख्या 100 होगी, प्रश्नों की जो है अधिकतम घंटे कितने होंगे, आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटे मिलेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, जैसा कि मैं बता पा रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक नंबर कटेगा, दूसरे क्वेश्चन का एक नंबर कटेगा, इस क्वेश्चन का नहीं, दूसरे क्वेश्चन का, जो आपने सही किया है उसका, यानी कि 1/3 माइनस मार्किंग है। आप एक क्वेश्चन सही कर दो और 3 गलत कर दो तो ये क्वेश्चन जो सही किया है ये भी गलत हो जाएगा, मतलब इसके नंबर कट जाएंगे, 0 नंबर आपका बच जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यही अपडेट आपकी, ये थी आपकी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती से संबंधित, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। चलिए एक और भर्ती को लेकर अपडेट है, वो कौन सी भर्ती है उसके बारे में भी हम जानते हैं। तो मित्रों यहाँ पर देख सकते हैं 18 अगस्त 2021 को एक और प्रेस नोट जारी किया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। तो ये अपडेट है, कार्यालय आदेश आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इन कुछ विद्यार्थियों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 24/8/2021 को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं महिला एवं बाल विकास विभाग टू जलपथ गांधीनगर जयपुर में पहुंचना होगा। यहां पर इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और यदि ये नहीं जाते हैं तो इनको बार बार में कोई अवसर नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर कोई इनको लाडू नहीं दिया जाएगा, इसलिए इनको सही समय पर जाना होगा। देख सकते हैं कुछ विद्यार्थी हैं दस्तावेज सत्यापन के अनुपस्थित रहे, यानी कि ये 26/2021 को अनुपस्थित रहे थे, उनके रोल नंबर है, इनको जाना होगा, नहीं गए तो आप दोबारा से नहीं बुलाएंगे आपको। आप सोच लें कि हम तो मेहमान हैं, हमें तो बार बार में बुलाएंगे, तो आपको नहीं बुलाएंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर नॉन टीएसपी के, यानी कि कुछ देख सकते हैं अनुसूचित क्षेत्र के देख सकते हैं, नॉन ठीक है गैर अनुसूचित क्षेत्र के देख सकते हैं, और अनुसूचित क्षेत्र वाले विद्यार्थी भी देख सकते हैं। अपने कोई जानकार है तो उनको ज़रूर बताएं कि आप भैया जाइए और आपके रोल नंबर आ गए हैं, आप जाओ, भूल गए हो तो, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ये सारी जानकारी आपके लिए अपडेट है, पुष्कर राज शर्मा सचिव जो है उन्होंने ये नोटिस जारी किया है। आशा करता हूँ ये जानकारी दोनों आपको पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। ये जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप स्टडी आईक्यू अकेडमी में मिल जाएगी पीडीएफ के माध्यम से। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।